मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आपको लेके चलेंगे जंगल की तरफ। तो आज हम जा रहे हैं मोनेस्टी, हमारी जो गंपा है हमारा नैनीताल का, तो वहाँ पे जा रहे हैं। आज हमारी आज से हमारी पूजा स्टार्ट हो रही है, तो उसके स्टार्टिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ आपके साथ कुछ शेयर करूँ। मैंने बहुत दिनों से कुछ शेयर नहीं किया है क्योंकि मेरा जो मोबाइल है ख़राब हो गया है, तो अभी मैं दूसरे मोबाइल से शायद इसमें मेरा इंटरव्यू इंटरव्यू पूछना है, डायरेक्ट मेरा वीडियो ही आएगा, तो मैं उसका शूट आज आपको दिखाऊँगी कहाँ हम लोग जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। हम पैदल जंगल में जाएंगे, तो चलिए चलते हैं जंगल की ओर। देखिए ये हमारे यहाँ का धारा, तो उसका पानी ये जो अपने आप 12 महीने रहता रहता है, ये सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है। और जब हमारे नल में पानी नहीं आता है तो हम लोग यहाँ पे पानी लेके आते हैं। ये पानी पहले बहुत साफ से अच्छा था, लेकिन अभी देखिए लोगों ने इतना कूड़ा यहाँ पे कर रखा है, इतना कचरा लोगों ने यहाँ पे डाल रखा है, इसी पानी को पीते ही जो कचरा कचरा है। तो यहाँ से हम लोग पानी लेते हैं, अभी हम लोग यहीं तक पहुँचे, हमें सांस यहीं तक खुलने लगी। तो चले चलते ऊपर की ओर, ये धारा से हम लोग ऊपर से जाने हैं। Yeah, so you won't find any proper view right now. Hi friends, so I'm going to tell you how the view is from here, and it's very beautiful. I can show you camel's back, Tiffintop, and high court, and even Manu Maharani. So yeah. Now that's camel's back. You can see a hump over there, and here pe jo flats are area hai, that's Tiffintop, and I'm not sure if it is or not because I have never been there. Here the small sa area is high court. This is high court here. It's very small, so I'll have to zoom it a bit. यहाँ पे हाई कोर्ट है, यहाँ पे हाई कोर्ट का गार्डन है, एंड यहाँ पे जज हो गए एंड द हायर लॉयर्स जस्ट स्टे देयर आई गेस, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। दैट्स इट, हाफ अ किलोमीटर फ्रॉम फॉर अ प्लेस, फार फ्रॉम अ प्लेस, एंड वी कैन सी अ प्रॉपर लेक व्यू फ्रॉम हियर। देखिए प्रॉपर लेक व्यू यहाँ से नजर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ जी हनुमान मंदिर, जी हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर रोड, हनुमान मंदिर रोड पे हम लोग पहुँच गए हैं। ये देखिए यहाँ से प्रॉपर, हाँ ये फील्ड है, गोटिया मार्केट है, आगे गंबा जाना है मंदिर में। मोनेस्टी, हाँ मोनेस्टी जा रहे हैं। सेम दिख रहे हैं, रहते हो? नहीं नहीं हम नीचे रहते हैं। देखिए सेम तो बहुत दूर है, मेरे से जूम हो नहीं रहा है। ये देखिए सेम है स्कूल, सेंट जोसेफ कॉलेज, ये है, ये है, नैनी रिट्रीट। तो ये छोटा दूर है यार, नैनी रिट्रीट, ये रहा नैनी रिट्रीट। नैनी रिट्रीट का मेरिट्रेट ज़्यादा लग रहा है, वो रिट्रीट वो है, मैंने दिखा दिया बेटा, मुझे पता है दादा। सो वी आर ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर फार फ्रॉम आर हाउस, एंड हमने एक बहुत ही डेंजरस एरिया क्रॉस किया, अकॉर्डिंग टू मीट साइड डेंजरस बिकॉज आई एम स्केयर ऑफ डॉग्स एंड मंकीज एंड एवरीथिंग। एंड यहाँ पे इस एरिया में बैक में जहाँ पे डस्टबिन वाला पार्ट है, वहाँ पे बहुत सारे मंकीज और बहुत सारे डॉग्स थे, बट लकीली आज कोई नहीं था। एंड मम ने मास्क नहीं पहना बिकॉज यहाँ पे कोई नहीं है, इट्स द रोड इज पूरा एम्प्टी, नो वन इज देयर, एंड वी आर ऑलमोस्ट देयर, फ्रेश एयर आ रहा है यहाँ पे। हाँ हाफ और किलोमीटर और जाना है हमें, हाफ किलोमीटर और एंड वील बी देयर अब नो दागर, हाफ डेस्टिनेशन। हाफ किलोमीटर कहाँ से है? देखिए यहाँ से पड़ता है गोम्बा के लिए शॉर्टकट, ये बाय रोड जाएंगे तो हमको काफ़ी लंबा ये पड़ जाएगा। अब हम जाएंगे शॉर्टकट में, शॉर्टकट थोड़ा सा डेंजरस है, बट हम लोगों को आदत है, हम चलते ऐसे रास्तों में, पहाड़ी है, वी आर पहाड़ी, तो हम लोगों को आदत ऐसे टूटे फूटे टेढ़े मेढ़े रास्तों की, तो हम इसमें जाते हैं। ये इतना भी डेंजरस नहीं है, बट है थोड़ा सा आगे जाके, वहाँ से थोड़ा सा भी पैस लिख हुआ तो जाके सीधे खाई में पहुँचेंगे, दो लोग हाँ डेफिनेटली नहीं चल पाएंगे, तो आप आगे चलिए मैडम। देखिए ये है पेड़ों के बीच से जो रास्ता है, बहुत ही अच्छा मज़ेदार। बरसात में यहाँ पे आएंगे तो क्या होता है वो जो पैरों में चिपकने वाला लीच, जो पैरों से खून ही चूस जाते हैं, बरसात में यहाँ से आएंगे तो पूरे पैरों में चिपके हुए मिलते हैं। हाँ ये देखिए यहाँ से ये रास्ता ऐसे है नीचे, सीधे नीचे, अगर एक भी पैर फिसला किसी का तो यहाँ से चलना पड़ेगा थोड़ा सा केयरफुली। बाय रोड अगर हम जाते तो थोड़ा सा दूर था वो। इतना भी दूर नहीं था, हम आ सकते थे वहाँ से इतना। आजकल तो इतना ख़राब नहीं लग रहा, पहले पहले अच्छे शुरू में आए थे शायद, जब हमको बहुत ही ख़राब दिखा था, ख़राब सा लगा था ना रोड। तेरी मुंडी कट के आ रही है मेरे से, मैं रास्ता देखने पड़ रहा है मुझे, मैं रास्ता नहीं देखूँगी तो मैं जाऊँगी नीचे गोल मटोल होके। आइए आइए देखिए यहाँ पर नाला है एक, इसको क्रॉस करके हम लोग आगे बढ़े हैं। And we are there to बस पहुंचने वाले हम लोग,
गुम्बा में और मेरे हाथ में एक झोला है जिसमें कि मैं भर के लाने वाली हूँ लकड़ियाँ चुनेंगे हम अभी जाके जंगल से मज़े करेंगे। यार ये देखो रास्ता थोड़ा सा देख के नहीं चलूँगी तो मुझे डर लग रही है कि मैं गिरी ना जाऊँ। दादा लास्ट टाइम हम लोग इस टाइम साहू बिच्छू की सब्जी बीनने भी आए थे याद है तुझे? हाँ, आज भी हम लोग बंबई आए थे, उसके बाद हम लोगों ने चिमटा एक बैग आज अपन के पास बैग भी है चिमटा नहीं है क्या। ये देखिए अगर हम ऊपर से आते हैं बाय रोड अगर हम आते तो इस रोड से होते हुए हम लोग यहाँ पे आ जाते तो हम लोग शॉर्टकट में आए तो हम लोग सीधे यहाँ पे पहुँच गए हैं इस रोड पे। अब ये रोड है बिल्कुल एकदम ढलान है रोड में एकदम मस्त वाली ढलान। एक पिकअप आ रही है नीचे से अभी 8:10 हो रहा है पिछले पापा यहाँ पे पहुँच रखे हैं सो यू हैवंट मेट हिम एनीवे एंड नॉट इन अ सिंगल वीडियो। हम लोग लेट हो रहे थे हम लेट हो जाते तो ये पहले आ गए तो उन्होंने पूजा पाठ का सारा प्रोग्राम शुरू कर दिया है। हाय बोलो हाय कौन टॉकिंग अ बिट स्लोली बिकॉज़ इट्स अ मॉनेस्ट्री एंड आई डोंट वांट टू शाउट हियर। Now I'll have to follow the same process, so I won't be shooting that. ये लकड़ियाँ बिन रहे हैं, लकड़ियाँ हमारी सुबह जो हम पूजा करते हैं उसमें एक शाम जलाते हैं हम लोग, इसके लिए हमको लकड़ियाँ बहुत चाहिए थी, छोटी छोटी लकड़ियाँ तो हम ये लकड़ियाँ बिन रहे हैं और हम कुत्तों के खिलाड़ी भी बनने वाले हैं। यहाँ पे जहाँ तक कभी यू विल सी पूरा जंगल ही जंगल है एंड यहाँ पे दे हैव फील्ड जहाँ पे वी यूज्ड टू प्ले व्हेन वी वर किड्स एंड आई एम कमिंग हियर टू द मॉनेस्ट्री आफ्टर वेरी लाइक वेरी लॉन्ग टाइम बट यहाँ से कोई प्रॉपर व्यू तो नहीं है बट आई कैन शो यू छोटा सा मंदिर यू कैन सी देयर। हाँ तो नैनीताल में फ्रेश एयर मिलती है। हाय आवा कंटिन्यूसली ऊपर जाने में लगी जाने लगी आई डोंट नो व्हेयर शी गोना स्टॉप शी इज वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हर वर्क राइट नाउ। सी समवन बिहाइंड दोज बुशेस दैट्स माई डैड स्टैंडिंग राइट देयर मम इज ट्राइंग टू रीच हिम व्हाइल पिकिंग ऑल द छोटा छोटा लकड़ी विच कम इन अवे आई डोंट थिंक शी एवर बी गोना मेक इट टू स्टैंड देयर बिकॉज शी इज ट्राइंग टू गेट ऑल छोटी छोटी लकड़ियाँ। ये देखो ये भर गई हमारी लकड़ियाँ ये हमारा पूरा बैग फुल हो गया है ये सारी हमने लकड़ियाँ भी नहीं है आज मज़ा आ गया इतनी सारी लकड़ियाँ गिरी हुई आधी दुकान से बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियाँ गिरी अभी बहुत सारी लकड़ियाँ हैं यहाँ पे मगर हमारा हो गया बैग फुल तो हम लोग जाते हैं वापस घर की तरफ। जो काटा है ना ऐसे चीज वाला बचपन में हम लोग क्या करते थे इसको तोड़ के इससे ये अपने नाक में और कान में होल कर देते हैं। ये देखिए मेरे नाक में ये होल हुआ मैंने बहुत बचपन में इतने नीचे अपने आप से इसको ऐसे करके डाल दिया था लकड़ी को कान में नाक में सॉरी
तो हम लोग खुद ही से इस कांटे से इससे होल्ड करते थे इसको। वहाँ हमारे वहाँ पे बोलते थे कि यहाँ पे बोलते किलमोड़ा, ये उत्तराखंड में किलमोड़ा बोलते हैं, किलमोड़े का कांटा है ये। इससे मैंने अपने पूरा नाक ही होल्ड करा। हम लोग ऐसे करते थे बचपन में, इसको लिया कान में यूँ करके ऐसे ऐसे करके डालते थे और पूरा मैसिंग कर लेते थे इसी से। बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, हमारी जैकेट पैक सब गई और ये हमारा नाश्ता, हमारा नाश्ता हो गया है रेडी। पैनकेक्स, बर्गर, मैंगो, ये मेरी कॉफ़ी, ये दागर का लेमन टी। चलिए तो नाश्ता करते हैं, आइए। मैंगो वैंगो तो हम नहीं खाने वाले हैं।